तो कैसे आप लोग hey gamers, स्वागत आप सभी का एक और नए ब्रांड न्यू पबजी द मोबाइल लाइटी की गेम फले वाली वीडियो में यार। और आज की वीडियो में भी ना तुमको दो गेम प्लेस देखने को मिलेंगी, मतलब मजा भरपूर आने वाला है। अब यार उतरे तो हम फैक्ट्री थे, लेकिन लैंडिंग हमारी थोड़ी गड़बड़ा गई थी, जिसकी वजह से फैक्ट्री में पहली एक स्क्वाड उतर जाती है। तो हम अपना रुख जो है ना घरों की तरफ मोड़ लेते हैं, और यहाँ पर भी अच्छी खासी लूट मिल जाती है। मतलब लूट के नाम पे सब कुछ मिल जाता है, ठीक ठाक AKM मिल जाती है, UMP मिल जाती है, लेवल 3 का हेलमेट मिल जाता है, लेवल 1 का वेस्ट मिल जाता है, और फिर सीधा बंदों के ऊपर चढ़ जाते हैं उनकी पेटी बनाने के लिए यार। नहीं किया फैक्ट्री में यार, सिर्फ 3 ही बंदे होते हैं। हमको देखने को ऐसा लगा था कि यार पूरी की पूरी स्क्वाड उतर रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये 3 ही बंदे होते हैं, और तीनों की यहाँ पर पेटी बना देते हैं बड़े आराम से। और उसके बाद यार सस्ती लंबरगनी अपनी तो पड़ी है ना गैरेज पे, तो बस गाड़ी लेके निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब यहाँ पर यार इतने सारे क्रेट्स पड़े थे ना, मतलब देखकर ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर नेक्स्ट यहीं पर हुआ है। मतलब इतने सारे बंदों के क्रेट यहाँ पे पड़े थे, और यार दो बंदे इसमें बचे थे जो कि यार सामने वाले इस छोटे से शैक में घुसे थे। तो मैं तो बस नेट कर देता हूँ, और भाई फट जाते हैं दोनों। अब यार वैनम को पीछे से कोई तो नॉक कर देता है, दरअसल वो स्पॉट ही नहीं होता मेरे को। तो सबसे पहले वैनम को हम यहाँ पे रिवाइव वाइव करते हैं, और यार फिर उस बंदे की पेटी बनाएंगे। तो गेमर्स वहाँ पर जो दो बंदे होते हैं ना यार, वो गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाते हैं, और यार सिर्फ दो बॉट दिखते हैं वहाँ पे। तो बॉटों को मारकर हम यहाँ पर यार 7 किल कर लेते हैं। अब गाड़ी लेकर हम ओल्ड बासिन जा रहे थे कि इतने में यार बीच में हमको ये बंदा मिल जाता है। तो यार इस बंदे की भी पेटी बना लेते हैं ना, और उसके बाद अपनी गाड़ी लेकर फिर निकलते हैं ओल्ड बासिन में। क्योंकि यार ये अकेला निहत्ता था और ओल्ड बासिन की तरफ से आ रहा था, तो हमको लगा कि यार ओल्ड बासिन में हो गए इसके टीममेट, तो हम सीधा ओल्ड बासिन चलते हैं यहाँ से। ओल्ड बासिन में उम्मीदें तो बहुत लेकर आए थे कि यहाँ पे फुल स्क्वाड मिल जाएगी यार, बहुत सारे किल्स मिल जाएंगे, लेकिन यार एक बॉट के सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। इस बॉट को मारने के बाद यार अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए हम जो चुपचाप अपनी लग्जूरियस जीप में बैठते हैं और यार निकलते हैं। एंड यार जब से ये जीप का स्किन आया ना भाई, मैंने लैम्बोर्गिनी चलानी कम कर दिया, सही बता रहा हूँ यार, इतना सही लगता है मेरे को ये जीप और इस स्किन के साथ। अब यार यहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा था क्योंकि वैनम का तो नेट बहुत ही सस्ता चल रहा था। अब यहाँ पर जो बंदे होते हैं यार सामने वेयर हाउस पे, जो कि अभी अभी एक टीम को जस्ट निपटा कर वहाँ पे मस्त चिल कर रहे होते हैं, एंड हम उनका जो है रंग में भंग डालने आ जाते हैं यहाँ पे। मेरे को जबकि पता है यार इस गेम में नेड M16 और रेड जोन से मेरी कभी भी नहीं बनती, फिर भी मैं पता नहीं यहाँ पे क्यों क्या सोच के नेड कर रहा था। अब जो बाकी के दो बंदे होते हैं वो दूसरे तरफ से फ्लैंक करके आ जाते हैं, तो यार देखो बस इनको भी कैसे ठिलाते हैं। तो यार ये गेम प्ले तो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ लास्ट का एक ही बंदा बच रहा होता है, एंड वो बंदा ऐसे जगह पे भाई घास में छुपा होता है ना कि उसको स्पॉट करने में हमको जो है पूरे गेम में मतलब जोन एंड होने तक का वेट लग जाता है। अब यार जो लास्ट बंदा बचा होता है ना, तो उसको यार देखो मतलब कोशिश करते हैं एक बार फ्लेयर गन से मारने की। अब फ्लेयर गन मिल चुका था, तो इसको फोकट में तो ऐसे फेंक नहीं सकते हैं ना, तो बंदे को स्पॉट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या क्या बंदा जो है फ्लेयर गन से मरता है या उसके साथ क्या होता है, ये ट्राई करते हैं। तो ये इसको ले और इसको वो इससे लास्ट एनिमी को मारना पहले इससे, ठीक है? ये ले मार मार फ्लेयर मार फ्लेयर मार फ्लेयर मार डीजे फ्लेयर। ही बेरू ने मिस कर दिया, वो लेटा है अभी भी लेटा है, अभी भी लेटा है, अभी भी लेटा है वो पेड़ के नीचे। एनिमीज अहेड, चला फ्लेयर चला दे इस पे। फ्लेयर बर्बाद, अब कुछ नहीं बोलूंगा इसके आगे। अब यार फ्लेयर तो मैं चला देता हूँ उसके ऊपर, लेकिन फ्लेयर की शायद इतनी एक्यूरेसी नहीं कि वो एकदम स्ट्रेट जा सके, वो तो हवा से ही मुड़ गया। पता नहीं पबजी लाइट में भी हवा चलती या नहीं, लेकिन हाँ फ्लेयर मारा तो भाई फ्लेयर हवा से ही मुड़ के कहीं और डायरेक्शन में चला गया। तो हम यहाँ पर
अब ये बना लेते कि अब फ्लेयर से तो नहीं मार पाए तो चलो पैन से मारेंगे। एंड यहाँ पर मैं अपना ही ट्रिक यूज कर रहा हूँ, अपने मतलब पैन को आउटो पैन में कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे आउटो पैन हो भी जाता है मेरा। और उसके बाद नेट यार कर रहा लास्ट है वाले बंदे को पैन से ठिलाते हैं। ओ भाई, नेट कर रहा है बंदा। हाँ क्या पे, रुक जा रुक जा, वो आएगा, आ गया आ गया आ गया। अब यार पैन से इस बंदे को ठिलाकर हम कर लेते हैं चिकन डिनर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले गेम प्ले में। अब यार इस वाले गेम प्ले में हम उतर रखे थे ओल्ड बासिन में, एंड ओल्ड बासिन में बहुत सारे बंदे आ रखे थे। एक स्क्वाड तो हमारे जस्ट मुंह पे उतर जाती है हमारे पीछे, एंड मेरा तो तुम लोगों को पता ही है भाई, कभी भी उतरते ही मेरे नसीब में गन नामक चीज़ होती ही नहीं है। तो अब मैं भी एक बंद यहाँ पे निहत्था भाग रहा हूँ भाई, मेरे सामने दो दो तीन तीन बंदे निहत्थे भाग रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ पे गन नहीं है। अब यहाँ पर जो है ना वेनम नॉक होने वाला है और पूरी तरह से फिनिश होने वाला है बंदा, मतलब उसको नॉक उजी से करता है ये मुक्का एंड मुक्का फिनिश मुक्के मार के कर करता है। तो यहाँ पर वैनम की बन जाती है रहा पेटी और मेरे को मिल जाती है उजी। तो अब यार उजी से ही बंदों को खिलाएंगे। खत्म कर उसको, वो देख सारे इधर पे कैम कर रहे हैं। अगर तुमने स्टार्टिंग में देखा होगा यहाँ पर दो स्क्वाड आई थी यार, और दो स्क्वाड में से सिर्फ दो दो बंदे ही बचते हैं अपने अपने स्क्वाड में से। तो एक स्क्वाड के यहाँ पर कौन मतलब दो बंदों को मैं फिनिश कर देता हूँ, और एक और स्क्वाड के दो बंदे बचे होते हैं उनको भी यहाँ पर फिनिश सी करते हैं। वो ऐड क्यों नहीं हो रहा, मैं ये सोच रहा हूँ। नीचे नीचे अब ये दोनों बंदे भी बहुत ही सस्ते तरीके से निपट जाते हैं। एक बंदे के पास हेलमेट वेस्ट नहीं था और एक बंदा इनका ऑफलाइन पड़ा हुआ था पीछे, तो मारने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पर एक बॉट भी होता है, तो एक बॉट को भी फिनिश करेंगे, और यहाँ से ओल्ड बासिन से 5 किल लेके निकलेंगे। मानता हूँ दो स्क्वाड आई थी, लेकिन क्या करें यार गन ही नहीं मिलती। मतलब जब भी ऐसे सिचुएशन होता है ना जहाँ पर किल मिलने का ज़्यादा मतलब चांस होता है, वैसी जगह पे गन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो हाँ ठीक है, 5 किल से हम यहाँ पर खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं पैदल ही, क्योंकि गाड़ी कोई और लेके भाग चुका है। भाई, यार इस गेम में मैं इतनी देर तक भागा ना, इतनी देर तक अगर ओलंपिक्स में भागता तो यहाँ पर गोल्ड मेडल ले आता। अब यहाँ पर एक स्क्वाड होती है, तो इनको भी यार पेलते हैं बड़ी आराम से। इसको मार तो ये स्क्वाड भी यार बहुत ही सस्ते में निपट जाती है। ये बात याद रखना, अगर कभी भी यार तुम्हारे सामने सिंगल बंदा भी हो ना तो उसको हल्के में मत लेना, और अलग अलग मत रहना बिल्कुल भी। मतलब बंदे अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं ना तो बस यही मेंटेलिटी रहती है कि यार बंदों को कैसे भी करके अलग अलग करके मारें। तो इस स्क्वाड को भी यहाँ पे बहुत ही अलग अलग करके मार देते हैं। अब यार यहाँ पर मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि इस गेम प्ले में यार हमारा चिकन नहीं हो पाता, क्योंकि लास्ट में ना बहुत ही गंदी सिचुएशन हो जाती है और बहुत गंदे तरीके से मरता हूँ मैं। तो अभी भी और एक स्क्वाड का मतलब क्लच बचा हुआ है, वो भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ पर भी बहुत देर तक भागता हूँ यार, लेकिन गाड़ी वगैरह भाई नामो निशान नहीं मिलता। अगेन मेरे को भाई 100-200 मीटर की रेस लगानी पड़ती है, उसके बाद जाके एक बग्गी मिलती है फाइनली। जोन तो जोन बग्गी ही लेकर यार है मैं एक ड्रॉप के पास गया था ड्रॉप लूटने के लिए, लेकिन वहां पर पहले ही एक स्क्वाड होती है जो कि ड्रॉप लूट रही होती थी, और यार मेरे पीछे बस हाथ धो के लग जाती है वो स्क्वाड। अब देखने यार इन लोगों को भी कैसे पेलते हैं, बहुत थोड़ा बहुत दिमाग लगा के पहले तो मस्त दो राउंड मार लेंगे इस घर के आगे पीछे, एंड फिर गाड़ी रोकते हैं और फिर उनको अलग अलग करके मारेंगे। बस यही सोच रहा था कि कैसे तो कैसे भी करके बंदे मेरे को अलग अलग मिल जाए। नहीं कर पाएगा। खुले में क्या, खुले में देख साला, आ जा करने दे, ये मूव है आस्था।
और जैसा मैं सोच रहा था ये बंदे मेरे को अलग अलग मिले भी। एक बंदे की गलती ये थी कि यार वो कार लेकर दूर भाग गया था और दो बंदे यहाँ पे उतर गए थे जो कि अलग अलग एंगल से आ रहे थे, तो मेरे को बहुत ही आसानी होगी अलग अलग एंगल से उनको मारने के लिए। अब यार लास्ट के तीन बंदे बचे होते हैं जिसमें से कि एक जो है दो बंदे होते हैं एक स्क्वाड के और एक सिंगल बंदा होता है, और वो दो बंदे उनको उस सिंगल वाले बंदे को ठिला देते हैं। अब जो है मैं भी बग्गी लेके आगे की तरफ जाता हूँ एंड यार यहाँ पर मेरे साथ गंदा स्कैम हो जाता है, बंदे दरअसल मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं और वो अलग अलग नहीं होते। और यार यहाँ पर गलती मेरी ही होती है क्योंकि मैं अंधाधुंध घुसा देता हूँ उनके ऊपर गाड़ी को, और यार यहाँ पर अगर मैं पीछे शेक में रोक लेता ना तो शायद ये गेम प्ले निकल जाता और वो बंदे दोनों के दोनों ऐसे चढ़ जाते हैं। मैं कोशिश तो बहुत अच्छी करता हूँ यार, बंदे एक बंदे को उसमें से नॉक कर देता हूँ लेकिन हेल्थ जो है मेरी बहुत ज़्यादा चली जाती है जिसकी वजह से फिर जो है मैं भी मर जाता हूँ यहाँ पर। तो आई होप तुम लोगों को आज का गेम प्ले ज़रूर से पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।